कलेक्ट्रेट में राशन डीलर की शिकायत लेकर पहुंचे ग्रामीणों ने राशन की दुकान में पार्टनरशिप करने वाले भाजपा नेता मदन वर्मा को महिलाओं ने अपने गुस्से का शिकार बना डाला। आपको बता दें कि अमरोहा जनपद के पतई खालसा गांव में गुलशन जहां राशन डीलर हैं, जिसके साथ भाजपा सरकार आने के बाद से तथाकथित भाजपा नेता मदन वर्मा ने पार्टनरशिप कर ली और गाँव के गरीबों के राशन कटौती के साथ दिया, जिसका विरोध करने पर मंत्री भूपेंद्र सिंह के साथ अपने संबंधों की हनक दिखाने लगा। तथाकथित भाजपा नेता मदन वर्मा की दबंगई से परेशान गांव की महिला गांव के स्थानीय भाजपा कार्यकर्ता के साथ अमरोहा कलेक्ट्रेट पहुंच गए। तभी कुछ देर बाद आरोपी तथा कथित भाजपा नेता मदन वर्मा वहां नजर आ गए, जिसे देखकर पीड़ित महिलाओं का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने वर्मा को अपने गुस्से का शिकार बनाते हुए उनके साथ जमकर खिसकाने के, जिसे बमुश्किल पुलिस ने महिलाओं के चंगुल से छुड़ाया। पर काफी दूर तक महिलाओं ने बीजेपी नेता वर्मा को दौड़ाया। वहीं गुस्साए लोगों का कहना था कि यही सूबे के राज्य मंत्री भूपेंद्र सिंह के नाम पर दलाली करता है और राशन की कटौती करवाता है। हिंदुस्तान न्यूज 24 बिजनौर से संजीव शर्मा। ये तो समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के आदमी हैं जिन्होंने आप यहाँ बदतमीज सड़े नहीं। सपा का नेता है सतपाल सिंह और मलखान सिंह सैनी, वो 5,000 रुपये मांगते हैं मुझसे। ये है सारी बात। मैं राशन दुकान में पार्टनर अपनी हालसा में गुलशन की दुकान में, तो ये देते हैं 5,000 रुपये महीना। दो हम 5,000 रुपये सवारी है, बैठ सकता है किसी में? अरे पुलिस से छुड़वा दो इसे, किसी में बैठ के भागे जा यहाँ पे। बस पर आदमी आप दलाली का आरोप लगाए गए हैं, दलाली का आरोप लगाए जा रहे हैं। कोई कुछ नहीं है, ये दलाल आरोप है सब बस पर द्वारा। मेरा नाम सतपाल सिंह चौहान है, मैं विश्व हिंदू महासंघ जिला उपाध्यक्ष हूँ। ये मदन कुमार वर्मा पतई का रहने वाला है, अपने को भाजपा का त्रिगोष्ठी प्रदेश अध्यक्ष बताता है, जबकि कुछ नहीं है। ककराली फैजगंज गालापुर में अवैध कटान करवाता है दुवक्षिप के पशुओं के। राशन की जितनी दुकान है दुआ ब्लॉक में उनसे अवैध वसूली करता है। और इसने ये दुकान एक क्या नाम है गुलशन जहाँ के नाम से दुकान चल रही है, स्वयं पतई में। अच्छा। स्वयं खुद चलाता है गुलशन जहाँ की दुकान ये। अच्छा। और उसमें एक एक किलो गल्ला पूरे पतई गरीब पब्लिक को कम देता है, हर डीलर से, हर पतई के जो डीलर हैं उनसे अवैध वसूली करता है। तो आज तुम यहाँ जो शिकायत करने आया था, क्या पकड़ लिया जो तुम्हारे? हमारे मंत्री जो ज्ञापन दिया इसका, ये अवैध वसूली कर रहा है भाजपा के विरोध में, और माननीय मंत्री जी जो हैं
क्या नाम है भूपेंद्र चौधरी उनका नाम लेके अभय तुलसी करता है। अच्छा तो आज तुम्हें मिल कहाँ गया? ये अब पता नहीं कहाँ से आ गया। फिर क्या बोला? हाँ ये कह रहा नेता है, मैंने चुप्पे तू क्या नेता है क्या है, तो लेडीज लेडीजों को कभी जिक्र करते थे। उसके बाद फिर क्या किया आपने? फिर हमने उसे पकड़ लिया, पकड़ खाया का नेता तो भगत सिंह क्या नेता। आज जो कपड़े फाड़े फाड़े हैं उसको भगाया है। हाँ ये साहब ये इन्होंने जो बीजेपी के कार्यकर्ता सही इसका गलत काम को मना करता है उसके साथ में ऐसी है नहीं। आज जो इसके कपड़े फाड़े गए हैं आज आप लोगों के द्वारा, क्या भाजपा का कार्यकर्ता है? एक भाजपा कार्यकर्ता है, क्या नाम उनका? भाजपा कार्यकर्ता है काफी सिंह पाल, उनके खिलाफ इसने अपनी पत्नी से बलात्कार का केस लगवाया और फिर बाद में ऐसे पैसे लेके कंप्रोमाइज कर लिया। अच्छा दलाली का आज किस रूप में कहता है? भाजपा का वो प्रदेश अध्यक्ष हूँ और मेरी मंत्री से बात है भूपेंद्र चौधरी का है। अपने को श्रम प्रकोष्ठ का अध्यक्ष बताता है जबकि कुछ नहीं है, और माननीय मंत्री जी का भूपेंद्र जी का नाम लेके पैसे लेता दलाली करता है। अभी हमारे पति ने सैनी आज जो आपके चंगुल में आ गए भाग गए, किस ये चंगुल में ये भाजपा के ये है हमारे जैन साहब ने भजा दिया और पुलिस ने आप पुलिस ने मिल गए, पुलिस ने जैन साहब भजा दिया, ये दलाली करता है। अभी पति में इतना हजरा क्लब पार्टी हमारे सैनी समाज